नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास कानपुर। बुधवार शब्द कीर्तन एवं बोली सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के उद्घोष के मध्य खालसा के संस्थापक दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के 3 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन आज भारी संख्या में श्रद्धालु संगत ने लंगर तैयारी की सेवा प्रारंभ की। प्रातः काल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगत अपनी सामर्थ्य के अनुरूप लंगर में अपना योगदान देने के लिए मोती झील पहुँचने लगी थी। विशाल मंच पर भव्य पालकी में विराजमान जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका, अपनी श्रद्धा अर्पित कर गुरुवाणी कीर्तन से निहाल हुई संगत ने गुरुवाणी कीर्तन से प्राप्त नव ऊर्जा को लंगर तैयारी सेवा में प्रयोग कर सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए को चरितार्थ कर रहे थे। प्रातः काल दीवान की आरंभता भाई कुलदीप सिंह राजा हजूरी रागी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर चौक ने तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा का गायन किया। भाई आत्मजीत सिंह, भाई सिमरनजीत सिंह हजूरी रागी गुरुद्वारा पांडू नगर, भाई भूपिंदर सिंह गुरदासपुरी ने सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा प्रमातम की मौज, गोबिंद सिंह आयो है, गोबिंद सिंह आयो है के कीर्तन के पश्चात पंथ के महान कीर्तनीय भाई गुरमेल सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर ने व भाई जसकरण सिंह जी पटियाला वाले ने कीर्तन गायन कर संगत को निहाल किया तो पंडाल बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से गुंजायमान हो गया। गुरु हर राय अकेडमी, ओबरॉय एजुकेशन सेंटर, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, पंथ सेवी बीबियों का जत्था आदि भी संगत को गुरुवाणी कीर्तन से संगत को जोड़ा। लंगर तैयारी की सेवा मनजीत सिंह सागरी, मोहन सिंह झास, ज्ञानी मदन सिंह, जसवंत सिंह भाटिया, गुरदीप सिंह गांधी की देखरेख में प्रातःकाल से ही आरंभ हुई, जहां दाल सब्जी के भंडारण से लेकर उनकी साफ सफाई, दाल सब्जी रोटी आदि पकाने की प्रक्रिया दिन भर चलती रही। ज्ञात हो कि लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु गुरुवार को गुरुपर्व पर प्रसाद रूपी लंगर छकेंगे, जिसके लिए कई कुंटल दाल, आलू, गोभी, आटा सहित मसालों का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम संचालन की सेवा महेंद्र सिंह भाटिया द्वारा निभाई गई। श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड के अनुसार कल गुरुपर्व पर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित रहेगा। संगत से मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की गई है। साथ ही लंगर छकने के बाद झूठे पत्तल अन्यत्र न फेंक कर निश्चित स्थानों पर रखे गए डस्टबिन में डालने की अपील की गई है, तथा संगत को जागरूक करने के लिए पूरे मोती झील में अपील के बैनर भी लगाए गए हैं। मुख्य समारोह गुरुवार को होंगे, जिसमें प्रातः 3:30 बजे से दीवान आरंभ हो जाएंगे, जिसमें मुख्य पंडाल में देर दोपहर तक गुरुवाणी कीर्तन एवं गुरुवाणी विचार का प्रवाह निरंतर चलेगा तो लंगर के पंडाल में लंगर भी वितरित होगा। स्त्री एवं पुरुषों के लिए अलग अलग लंगर पंडाल तैयार किए गए हैं। पूरे लंगर पंडाल में मीटिंग की गई है ताकि धूल उड़ने से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। लंगर पंडाल धूल फ्री तैयार किए गए हैं। आज के दीवान एवं लंगर सेवा के कार्य में हरविंदर सिंह लॉर्ड सहित सुखविंदर सिंह भल्ला लाडी, हरमिंदर सिंह लूंगोवाल, मीतू सागरी, मनजीत सलूजा, राजू खंडूजा, करमजीत सिंह, सुरिंदर सिंह चावला कालू, दया सिंह गांधी, अमनजोत सिंह, जसबीर सिंह सलूजा, सतनाम सिंह सूरी, देवेंद्र पाल सिंह, जयदीप सिंह राजा, हरदीप सिंह रेल बाजार, सुरिंदर सिंह छिंदा आदि सेवा कार्य में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। प्रातःकाल की ही भांति रात्रि में भी कथा कीर्तन के दीवान में प्रचारक एवं रागी जत्थे संगत को गुरुवाणी के साथ जोड़ेंगे। संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। आप कहाँ से जो आज आई मोती झील में, किस लिए आई हैं? बचपन से सेवा कर रही हूँ। आज लंगर की तैयारी होती है, कल सुबह जो लंगर होगा उसकी तैयारी होती है, सारी प्रसाद काला पाजा की सेवा होती है, सिख सेवा के लिए। तो आपको कैसा लगा सेवा करके? बहुत अच्छा लगा।
आप यहाँ किस लिए आई हैं? सेवा करने आई हैं, सेवा चल रही है। तो आप कहाँ से हैं? मैं किशनगढ़ राजस्थान। राजस्थान से। तो आप कानपुर आके पहली बार आई हैं? पहली भी आ चुकी हैं। मैं रहती अब यहाँ पे, मतलब शादी हुई हमारी। तो आपको कैसा लगा? बहुत का लंगर बढ़ रहा है, सब बहुत अच्छा लगा। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं आप? बस यही कि सब लोग आए, सेवा करें, सुबह लंगर करें, सब धर्म के एक साथ बैठ के काम कर देखें अपना सब कुछ। आज सुबह से लंगर की तैयारी चल रही है। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज का 353वां प्रकाश पर्व है, जो समूह संतों के सहयोग से सभा द्वारा मनाया जाता है। मोती जी प्रणाम में इसकी तैयारी कर दो, 15 दिन से पहले से तैयारी हो जाए। चलो जैसे दूर देश विदेश से भी लोग दर्शन करने आते हैं और संतों का बहुत सहयोग रहता है सेवा करने में। मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह महाराज का 353वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। तो आपकी जी में जो मोदी काम हुआ आपसे मोती जिले में सब संतों ने मिलकर बनाया, दाला प्रसादा चावल भाजा और कई प्रकार के भाग भाग के लंगर चल रहे हैं जो संतों के सहयोग से चलते हैं। दान मान धन से सबकी सेवा लगती है इसमें, स्पेशली किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं रहता। मेरा क्या, किसी का क्या, ये सबका साझा ग्रुप चल रहा है, ये सबका सहयोग रहता है। ऐसे कहना चाहेंगे कि आप सब ठीक ढंग से यहाँ देखे लें तो कभी व्यक्ति महसूस हो आप जरूर बताएं। और प्रकाश पुरा की सबको सुखासन सेवा से आती गुजारा चौक की तरफ सबको बधाई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।